समीर भाई छथि स्थानीय विधायक और उद्योग मंत्री सेहो छथि जहिया पदभार ग्रहण केने रहथि पटना में हमरा सबके बात भेल रहे और कहलथि जे ललित भाई शाहनवाज जी या फिर पूर्व पूर्व के जे उद्योग मंत्री रहला है तिनको सबसे जे छै से हम सब बातचीत करब हुनको सबके मार्गदर्शन लेब और एकटा शुभ दिन छै बीच में हमरा सब कै बेर बैसलौ हैं। सबसे पहले तो कोनो जगह जे इन्वेस्टर जाइ छै ओकरा लेल दू तीन टा बेसिक चीज छै। पछिलो बात में जे छै से हमरा सब एहि पर चर्चा केने रही बिजली सहजता से उपलब्ध भ रहल छै एहिठान लॉ एंड ऑर्डर पर पुनः प्रश्न चिन्ह लागि रहल छै खास कऽ मधुबनी और दरभंगा में। पहले तो ई जे दिन छै तकरा विषय में और ताहि के बाद फिर लॉ एंड ऑर्डर से हम सब अबै छी। आज के दिन काफी मने शुभ है जो हमारे यहाँ कोई भी बाहर से आकर के अपना फैक्ट्री खोल रहे हैं और भाई अजय जी के हम सब धन्यवाद देवे कि मधुबनी आ करके सारे जनप्रतिनिधि लोग छा बैठल एमपी साहब नालंदा के एमपी साहब हमारे विधायक जी सबके खुशी छे कि मधुबनी में अगर रोजी रोजगार के मामले में हमर सबके टारगेट है कि कम से कम 5,000 से 10,000 लोग के एडिशनल नौकरी भेटे। एहि दुआरे कि कोरोना काल में अपने देखने होबे कोन तरह से लोग लौट रहल छे कते हृदय विदारक स्थिति छले पूरे बिहार में लौटत वही स्थिति के देखत। ठीक कहला एम पी साहब 2007 के पॉलिसी बिहार में छे एथेनॉल वाला जो पॉलिसी बनले अपन सबके बिहार विधानसभा से 2007 में बनले लेकिन कनी लेट भेले। लेट भेला से भी नहीं है जाबे तक हम सब ई मान के चले छी जबे जगली तभी सवेरा जब दिन अच्छा भेल तभी अहाँ के है सुमुहूर्त जब एते। लेकिन हम यह आग्रह करबे कि अ ढंग के 10 फैक्ट्री आरो खुल सके है अ लेवल के 100 करोड़ के प्रोजेक्ट वाला 10 आरो फैक्ट्री खुले 20 फैक्ट्री और खुले और साथ ही एहन पॉलिसी होना चाहिए कि जमीन के कोई उपलब्धता नहीं हो अपन अपन पूर्वज के जमीन पर भी उद्योग खुल सकते हैं तो पॉलिसी बढ़िया रहते तो क्यों खोलते। सरकार के अपेक्षा है हमर सबके बिहार सरकार के कि पूरे देश भर में कतौ जाए छे तो देखे SEZ है स्पेशल इकोनॉमिक जोन हमरा सबके बिहार में कतौ नहीं देखा में आवे है। तो अपन दोनों MP साहब से आग्रह करबे विधायक जी अपन मन हरिभूषण भाई से कहबे कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए क्वेश्चन करियो आ दिल्ली में रह करके दोनों MP हमरा सबके बिहार के दिलैता अमे कोई पॉलिटिक्स नहीं है। जाबे तक 15 साल के टैक्स हॉलीडे नहीं हेतु हमर सबके बाल बच्चा केना व्यापार के बाद उद्योग में अता और जाबे व्यापार करता उद्योग खोलता आ लॉसे में चल जाता NPA में तो क्या पूर्वज कहते कि व्यापार बढ़िया ट्रेडिशनले व्यापार बढ़िया चलो ये सब कथिला फेरा में पड़े छ। लेकिन आवश्यकता है पूरे बिहार के जाबे तक बिहार नहीं बढ़ते मधुबनी नहीं बढ़ते तो बिहार नहीं बढ़ते आ बिहार नहीं बढ़ते तो देश नहीं बढ़ते। तो दुनिया में देश के आगे लावे ला हम सब जे माने मधुबनी जिला या पूरे बिहार जे छे वो कम उपभोक्ता के प्रदेश रह गए हैं। हमरा सबके जब तक उपभोक्ता के प्रदेश से हम लोग उद्योग के प्रदेश नहीं बनेबे तब तक संभव नहीं छे आगे बढ़बे। डेफिनेटली चूंकि अहूँ मैथिली में शपथ लै छी इहो मैथिली में शपथ लै छी अहाँ कहलहुँ जे हम सरकार में नहीं रही तो हम बहुत किछु नहीं कह सकै छी। संवैधानिक दर्जा भेटना 20 साल से बेसी भऽ गेलै मैथिली के देवार पर सौंसे लिखा रहल छै हिंदी में। कलेक्टर से परसू हम सवाल केलियनि तो कहलै जे बिहार सरकार हमरा एहन तरहक अधिकृत केलक है जे सिर्फ हम हिंदी और उर्दू में लिख सकै छी। किया नहीं अहाँ सरकार में छी मंत्री छी अखन अहाँ ई संसद में चीज के उठेता वो JDU से कौशलेंद्र बाबू तो किया नहीं जो संवैधानिक दर्जा प्राप्त कोनो भाषा छे वही राज्य में वो अल्टीमेटली जे छे बाय डिफॉल्ट वो एठा द्वितीय राजभाषा बन जाए छे। तो मधुबनी के दरबार पर पहले बात घरे घरे मैथिली बाजू एकरा ले तो क्यों नहीं रोकने छे एटा स्टिकर छपा लिया सब मिल करके हमू 5,000 छपाए सब गोटे के आह्वान करियो घरे घरे मैथिली बाजू जबकि बाजिए रहल छी ओनाहिते अहाँ अपन अपन घर में अपन नाम अंग्रेजी में हिंदी में मैथिलियो में लिखू। पहले अपन शुरुआत करूँ सरकार तो करबेटा करते लेकिन उर्दू और हिंदी के अलावा नेचुरल छे कि सब जगह मैथिली होबक चाही जब छे। लेकिन पहले हम क्या के प्रयास करी अपन तो पहले मधुबनी में अपन करी हमरा चलो हाँ। है उद्योग मंत्री जे कहलन है और फिर एक के बाद बैसे छी और किछ जे टेक्निकल चीज छे ते पर सेहो बातचीत जे छे सब करैत छी।